ने ट्रैफिक पार्क का निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उपायुक्त ने ट्रैफिक पार्क में मिली खामियों को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने पार्क के बीच जल रही आग को बुझाया और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने महिला शौचालय में रखी फाइलों को उचित स्थान पर रखने के निर्देश भी दिए। जैसा आप लोगों ने बताया था प्रेस वार्ता में कि यूज़ में नहीं आ रहा है, फंक्शनल नहीं है, तो उसके लिए चेक करने के लिए आज यहाँ पर आए थे। तो वास्तव में काम नहीं कर रहा है तो अभी पता लगाने हैं। इसका जो एग्रीमेंट हुआ था शुरू में, कब हुआ था, कितने समय के लिए हुआ था, कौन पार्टनर था, उसकी क्या जिम्मेवारियाँ थी, और अब जिस तरह से बताया गया है कि कनेक्शन थोड़ा चेंज कर दिया गया था, जो अंडरग्राउंड केबल थी वो ख़राब थी, तो इसका एस्टिमेट बनवाने की कोशिश करेंगे कि भाई इसको दोबारा से फंक्शनल कैसे किया जाए और जिस मकसद के लिए बनाया गया था इतना इन्वेस्टमेंट करके, ताकि ये शहर के बच्चों के लिए काम आए। आगे से ट्रैफिक रूल्स हैं, नियम हैं, उनको बताने के लिए स्कूल को, बच्चों को यहाँ पर दौरा कराया जाए।